नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से या फाई ई से इंडिकेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, फाई इक्वल टू ई एस। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एस आपका क्या है, एरिया, यानी कि जिस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फाई के। तो इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द सरफेस एरिया एस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है तो कौन सा एंगल आएगा, कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू द सरफेस, तो वो आपका आ जाएगा फाई या फाई ई होल सरफेस के लिए एस ई डी एस कॉस थीटा। तो इसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई वैक्टर डॉट डी एस। तो फ्लक्स एक कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा एम एल की 3 टी की -3 ए की -1।